गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतक का पहला अध्याय मनु को शुरू करेंगे। मनु का संक्षिप्त परिचय सबसे पहले बताया जाएगा। मनु के जीवन काल के विषय में निश्चित मत का निर्धारण कठिन है। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की एक घटना के उल्लेख के माध्यम से बताया गया है कि जल प्लावन के पश्चात मनुष्यों में केवल मनु शेष बचे, इस प्रकार वे भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। एक मान्यता यह भी है कि यह मनु ही मनुस्मृति के रचनाकार थे। पौराणिक आख्यानों में से ही मनु परंपरा का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिता व प्रस्तुति के संस्थागत प्रतीक बन गए हैं। इस प्रकार इस मनु परंपरा से ही किसी पश्चातवर्ती मनु ने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति वैदिक साहित्य स्मृतियाँ महाकाव्य व नीति शास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सूत्र के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। राजनीतिक व सामाजिक चिंतन के सूत्र के रूप में स्मृति साहित्य का विशेष महत्व है। स्मृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ में वर्णित विषय वस्तु व्यापक है तथा उसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों से संबंधित आचार संहिता प्रस्तुत की गई है। राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य व महत्वपूर्ण उपव्यवस्था के रूप में मान्यता देती है। मनुस्मृति 12 अध्याय में विभाजित है। राज्य की उत्पत्ति, मनु का मत है कि इस संसार में राज्य के ना होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। यह स्पष्ट है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। शासक की दैवीय उत्पत्ति का संकेत देते हुए मनु ने कहा है कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की है। वस्तुतः मनुस्मृति में धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है तथा शासन को उस संप्रभु शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा के नैतिक, भौतिक व पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत और दायित्वबद्ध किया गया है। अब इसके बाद हम राज्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे। मनुस्मृति में राज्य के साव्यक रूप का वर्णन किया गया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है एवं राज्य की 7 प्रकृतियां स्वीकार की गई हैं, जिसे सप्तांग रूप सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसमें सर्वप्रथम स्वामी, मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है तथा नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना है। दूसरा मंत्री, मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का विस्तृत वर्णन किया है। तीसरा पुर का अर्थ राज्य की ऐसी राजधानी से है जो भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियाँ यथा धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरी दुर्ग का उल्लेख किया है।
चौथा पॉइंट है राज्य, राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु द्वारा राज्य का उल्लेख कुछ भ्रम उत्पन्न करता है। वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया। पांचवा पॉइंट है कोष, राज्य में शासन के पास एक एकत्रित धन को मनु ने कोष का नाम दिया है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों के दायित्वों की पूर्ति कर। छठा पॉइंट है दंड यानी सेना। दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु ने सेना के अनेक अंगों यथा हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना का उल्लेख किया है तथा राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें। सातवां पॉइंट है मित्र। मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करके दो तथ्यों की ओर संकेत किया है। प्रथम तो यह है कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता और उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। द्वितीय यह कि राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों से संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर राजा द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता स्पष्ट की है। राज्य की प्रकृतियों के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सप्तांग सिद्धांत वास्तव में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। वास्तव में मनु ने राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य के अंगों या प्रकृति का नाम दिया है। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृति के विश्लेषण के लिए राज्य के उद्देश्य, उसके कार्य क्षेत्र व संप्रभुता आदि तत्वों पर भी विचार करना आवश्यक है। मनु ने कहा है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होता हो, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। अब सप्तांग सिद्धांत के बाद में विद्यार्थियों राज्य के कार्य क्षेत्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मनु ने राज्य के कार्य क्षेत्र का व्यवस्थित विवेचन किया है। राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। सबसे पहले हम प्रजा रक्षण को समझेंगे। मनु स्मृति में प्रजा के रक्षण को राज्य का प्रमुखतम कर्तव्य माना गया है। ग्रंथ में वस्तुतः प्रजा रक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार स्वीकार किया गया है। राजा का प्रथम कर्तव्य राज्य के व्यक्तियों की रक्षा करना है। प्रजा रक्षण के इस दायित्व को मनुस्मृति में इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि प्रजा के रक्षण को राजा के अस्तित्व की रक्षा हेतु भी अनिवार्य मान लिया गया है। मनु राज्य के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा को आवश्यक मानते हैं। दूसरा है लोक कल्याण। मनुस्मृति ने प्रजा पालन को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। मनु ने प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की स्थापना करने को राज्य के महत्वपूर्ण दायित्वों में सम्मिलित किया है। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए राजकीय कर्तव्य की परिधि इतनी व्यापक है कि यह प्रजा के भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के समस्त आयामों को समाहित कर लेती है।
तीसरा है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। मनु ने व्यक्ति के जीवन में अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है तथा प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य माना है। मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति और समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे। मनु ने राज्य की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के हित में शासक से प्रजा से उसकी सामर्थ्य के अनुसार कर लेने और प्रजा पर कर का अनावश्यक भार न डालने का परामर्श दिया। चौथा पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह और नियमन। मनु स्मृति में सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन राज्य का दायित्व माना गया है। राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। मनुस्मृति में धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है। इसी प्रकार समस्त वर्णों एवं आश्रमों की व्यवस्था को भी राज्य के आवश्यक दायित्व के रूप में स्वीकार किया है। पांचवा पॉइंट है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने संकेत किया है कि नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को मात्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य है। राज्य इस दायित्व के समुचित पालन के द्वारा समस्त व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना का संचार करता है, क्योंकि यदि राज्य अपने इस दायित्व का सही पालन न करे तो शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को आक्रांत कर लेंगे और समाज में उचित अनुचित का भेद समाप्त हो जाएगा। छठा पॉइंट है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। मनु ने राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रशासन व्यवस्था व कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य के कर्मचारी प्रजा के प्रति दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करते रहे। सातवां पॉइंट परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। मनु की मान्यता है कि अंतर्राज्यीय संबंधों के सतर्कतापूर्ण संचालन द्वारा शासन प्रजा को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रख पाता है। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों में शासक युक्ति और विवेक के प्रयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य को अनावश्यक युद्ध में ना उलझना पड़े। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मनुस्मृति में राज्य के दायित्वों की व्यापक परिधि का विवेचन राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करता है।